लिवर सिरोसिस का सेम जो किडनी को बोला है वही, ओके, कुछ नहीं डिफरेंस। एंड उसमें भी 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है जब तक सारे नॉर्मल होने के तक। इवन लिवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए ऐसा डॉक्टर कहे तो भी विद इन ए मंथ आपका सारे पैरामीटर सही हो जाएगा। अभी एक है, कल रात में वही लोग के साथ में गया, आई एम सपोज टू बी विद अवर अनिल जी एंड शाह जी के साथ में, बट मैं ऑलरेडी पूरा कम्युनिकेशन किया आपको जैसे उन लोग को बता दिए थे। उन लोगों यूएस में ट्रीट कर रहा है और उनका जो आदमी है दे आर ऑल वेरी बिग फाइनेंशियली वेरी बिग शॉप्स, उनका मिसेस को जो ये फैटी लिवर अर्थमिया अबनॉर्मल ऑटोमेटिक एंड दूसरा ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आईबीएस, लाखों रुपए खर्च किए गए हैं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो डाइट्स है और विद ऑल दिस प्रोडक्ट्स विद इन 1 मंथ अनथिंकेबल वे रिजल्ट्स हुआ। सो दिस इज द वे इट वर्क्स एक्चुअली। और दूसरा में आएंगे आर्ट प्रॉब्लम, आर्ट प्रॉब्लम के लिए भी सब लोगों को मैं कुछ लोग आर्ट प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट, एक जेंटलमैन है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उनका पिताजी को हार्ट खुल गया है, दैट मीन्स उसको टेक्निकली कर रहा है डायलेटेड कॉलिमेटर, वो एजेक्शन फ्रैक्शन जो है अभी 20 या कितना है अभी 20 हाँ 20 रहे तो वर्ल्ड में सेंस नहीं है उसको ऊपर ले आने के लिए, मे भी 5 आ सकता है दवा से, लेकिन मैं देखा है नहीं आ सकता है। लेकिन ये जो मैं बताया है ये डाइट एंड सप्लीमेंट्स है, ये 1 महीने में ही देखें सीधे रिजल्ट, लेकिन हॉनेस्टली फॉलो करना जो अभी मैं बोला है ये तुझे। इसमें डिफरेंस क्या है, चेस्ट में पानी रहे तो उधर भी 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आर्ट पेशेंट को मतलब डायरेक्टेड बॉडी में मतलब आर्ट खुल है, सो ये क्लियर हुआ। हार्ट के लिए भी वही है, स्ट्रोक के लिए भी वही है, स्ट्रोक के लिए पानी पी सकता है सो कोई दिक्कत नहीं, एंड कोर्स ग्रेन्स भी ले सकता है, लेकिन एक्सेप्ट किडनी, किडनी का क्या है वो स्पेसिफिक लिखा है। सो देन क्या हुआ, सो बीपी, बीपी का भी वही है सेम हार्ट का किडनी का जो बताया उसी तरफ से, मोर देन 5 ग्राम सॉल्ट नहीं खाना है, ये सारे चीज मैंने बताया, लेकिन पानी पी सकता है और अन्य खाना कुछ भी खा सकता है, मतलब ज्वार का रोटी हो रागी का रोटी हो सब कुछ खा सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा बढ़िया से जो फॉलो है 2 बार रॉ वेजिटेबल जूस, किडनी पेशेंट नहीं ले सकता है, एंड दूसरा अन्य सभी पेशेंट ले सकते हैं क्योंकि पोटेश रहता है उसमें। सो इवन देन आई एम सो हैप्पी लुधियाना में ब्लीचिंग करके रॉ वेजिटेबल जूस दे रहा है, लेकिन अच्छा काम हो रहा है। जनरली में अर्लियर में बोलते थे उसके बाद में छोड़ दिया, उसका फ्रेश किसी को ज्यादा हो जाता था इसलिए। सो 2 बार रॉ वेजिटेबल जूस, 2 बार फ्लैक्स डाइट, 1 बार लसन अदरक, नॉर्मल डाइट, बीपी 100% 1 महीना में ही नाप होना चाहिए अलाइन विद सप्लीमेंट्स, बिकॉज सच ए मेडिसिन वैली अर्जुना भोक्षरा सब कुछ है उसमें, इट्स ऑल एल्यूमिनियम एंड ऑल मस। सो क्या हुआ, लिवर हुआ, लंग का भी वही है, किडनी का सेम है, लेकिन लंग पेशेंट्स पल्मोनरी डिसऑर्डर जो भी हो हल्सी मट्टा हॉट वाटर में लेना है और मसाला कषाय है, मसाला खड़ा स्पाइस ड्रिंक उसको लेना है, हास्मा हो या जो भी हो पोस्ट कोविड का जो भी प्रॉब्लम हो वो निकल जाता है उसमें। सो देन लंग हुआ, किडनी हुआ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब इरिटेबल बोल सिंड्रोम हो या क्रॉनिक असिडिटी हो एंड ये पल्स हो फिशर हो, ओनली पिस्तौल में उतना ये नहीं दिखता है, इसमें भी दोनों लेकर के सुबह और शाम को यू विल सी द रिजल्ट्स विद नो टाइम विद प्रॉपर डाइट व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन। सो आई होप दैट ये सारे मतलब